ये मैं कह रहा हूँ जे पूरे आपको वर्ल्ड में सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी पैदावार होती है। अरे वाह क्या बात है। और ये आप देख सकते हैं ये होता है लहसुन, इसको माउंटेन गार्ली कहा जाता है, गेंठिया लहसुन कहा जाता है, और एक पोथी का भी लहसुन इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी एक ही कली होती है। जैसे आप घर में लहसुन यूज करते हो कलियों वाला होता है, इसकी एक ही होती है। और इसकी जो मेन, इसको आप सब्जी में नहीं डालते हैं, इसको इसका जो बेनिफिट है इसको आपने ऐसे छिलका उतारना है और जो सुबह खाली पेट दो पीस खाना है। अच्छा। गैस की प्रॉब्लम हो, बाई की प्रॉब्लम हो, घुटनों का दर्द हो, बैक पेन हो, मैं कह रहा हूँ आप लगातार 4-5 महीने इसको अगर खा लेंगे ना तो आपका 10 साल पुराना जो बैक पेन का दर्द होगा ना वो दूर हो सकता है। और दोस्तों इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल लहसुन होता है। हाँ सेम लहसुन की तरह ही होती है, इसी तरीके का आ रहा है जी। आप इसको चबा के खा सकते हैं या डायरेक्ट निगल भी सकते हैं पानी के साथ, जिनको लहसुन से थोड़ा एलर्जी सी होती है। हाँ तो आप डायरेक्ट इसको निगल सकते हैं पानी के साथ।